मैट्रिक रिजल्ट को लेकर इंतजार करने वाले सभी छात्रों के लिए काफ़ी बड़ी खबर। यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैट्रिक मूल्यांकन बुधवार को क्वारंटीन सेंटर पर नहीं शुरू हो सकी जांच, और डर के साथ शुरू हुई कॉपियों की जांच। तो कहाँ कॉपी की जांच शुरू हुई, कहाँ कॉपी की जांच जो है कल शुरू नहीं हुई, कितनी कॉपी जांची गई, तमाम तरह की जानकारी आप पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर हम आपके लिए लाए हैं तमाम पेपर के न्यूज का निचोड़ लाए हैं, और साथ ही इंटर के जो भी स्टूडेंट हैं वे स्क्रूटनी, जिसे हम चैलेंज कहते हैं, के लिए इंतज़ार कर रहे थे, तो उनका इंतज़ार अब समाप्त हो गया है और स्क्रूटनी चैलेंज ऑनलाइन के लिए तिथि घोषित हो चुकी है। सभी जानकारी को आप पाएंगे यहाँ पर। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको पेपर का कटिंग भी मिल जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर हम सभी पेपर का निचोड़ लाए हैं और ये सभी न्यूज है। पहले हम इंटर स्क्रूटनी से संबंधित न्यूज को जानते हैं, उसके बाद ये जो मैट्रिक कॉपी की जांच से संबंधित न्यूज है इनको भी आप विस्तारपूर्वक जानेंगे। देख सकते हैं कल कितनी कॉपी की जांच हुई और मैट्रिक रिजल्ट फाइनल दिनांक, सभी तरह के न्यूज को पाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इंटर स्क्रूटनी चैलेंज के लिए जो आवेदन कल से करे ऑनलाइन आवेदन, और यहाँ पर आप देख सकते हो कि बिहार बोर्ड इंटर वार्षिक परीक्षा 2020 के रिजल्ट या मार्क से असंतुष्ट स्टूडेंट स्क्रूटनी के लिए 8 मई से 25 मई तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। बिहार बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर ने बताया कि परीक्षार्थी यदि किसी एक या सभी विषयों में मिले अंक से संतुष्ट नहीं है तो ये संबंधित विषय की उत्तर पुस्तिका की स्क्रूटनी के लिए वेबसाइट यहाँ पर देख सकते हैं, biharboardonline.bihar.gov.in पर 8 से 25 मई तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आवेदन के समय प्रति विषय 70 रुपये शुल्क जो है चुकाना होगा, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि परीक्षा का रिजल्ट जो है कि 25 मार्च को ही जारी हुआ है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं कि आवेदन आप किस प्रकार से करेंगे, उस बात को समझाया गया है। कह रहा है आवेदन के लिए ये वेबसाइट है पर अप्लाई फॉर स्क्रूटनी एनुअल इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2020 पर क्लिक करना होगा, जिसके बाद एक नया पेज ओपन होगा। इसमें रोल कोड, रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर अंकित करें। इसके बाद स्क्रूटनी एप्लीकेशन आईडी नंबर दिखेगा, जिसे सुरक्षित रख ले। एप्लीकेशन आईडी नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर का प्रयोग कर लॉगिन करें, और फिर जिस विषय में स्क्रूटनी करानी है उस विषय के सामने टिक मार्क करें। इसके बाद फी का पेमेंट होगा। तो यहाँ पर यह जानकारी दी गई है। हम आपको अपने मोबाइल से जो है कि कल जैसे ही लिंक एक्टिवेट होगा करके दिखाएंगे कि किस प्रकार से आप अपने भी मोबाइल से आवेदन कर सकते हो, कहीं जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। कैसे किस विषय के लिए आवेदन करना है, कैसे फी का पेमेंट करना है, इन बातों की जानकारी कल के वीडियो में मिलेगा आपको। और बहुत से छात्र सोच रहे थे कि इंटर स्क्रूटनी कराने से मार्क बढ़ता है या घटता है, तो आप लोग जान लीजिए, स्क्रूटनी कराएंगे तो आपका मार्क बढ़ेगा ही। अगर आप 5 मार्क से फर्स्ट डिवीज़न से छूट गए हैं तो आप फर्स्ट डिवीज़न हो जाएंगे, सेकंड डिवीज़न से छूट चुके हैं तो सेकेंड डिवीज़न हो जाएंगे। जिसको जिस विषय में कुछ मार्क से वे फेल हो गए हैं तो ये सभी छात्र पास होंगे, मार्क बढ़ेगा ही। इस न्यूज़ को जानने से पहले चलिए हम आपको बताते हैं कि पहले आप इस न्यूज़ को कैसे आप अपने मोबाइल से भी डाउनलोड कर सकते हैं, तो पहले हम उसको बताते हैं, उसके बाद इस न्यूज़ को विस्तारपूर्वक बता देंगे। इसके लिए आप फेसबुक जो चलाते हैं तो फेसबुक में जाना होगा, और सर्च बार जो होता है यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये सर्च करने वाला में जो है आप सर्च कीजिए सम्राट सर। यहाँ पर देख सकते हैं आ चुका है सम्राट सर, इनको टच करें। टच करने के पश्चात यहाँ पर पेज इस प्रकार से ओपन होगा। होने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं सम्राट सर लिखा हुआ है, इनको टच करें। टच करने के पश्चात पेज इस प्रकार से ओपन होगा। होने के पश्चात नीचे की ओर आते जाइए, नीचे आने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर जो है कि न्यूज़ को अपलोड कर दिया है 11 मिनट पहले। यहाँ पर आप इस न्यूज़ को खोल करके
देख सकते हैं डर के साथ शुरू सभी न्यूज यहाँ पर है। यहाँ से आप प्रत्येक न्यूज को डाउनलोड कर सकते हैं। अब इस न्यूज को विस्तार पूर्वक जान लीजिए। यहाँ पर है कि मैट्रिक वार्षिक परीक्षा की कॉपियों का मूल्यांकन बुधवार को एक बार पुनः शुरू हो गया है। इसके लिए राज्य में 169 केंद्र बनाए गए थे। जहाँ जहाँ कॉपियों बची हुई है वहीं पर मूल्यांकन कार्य शुरू हुआ है। इसके बाद साथ ही क्वारंटीन सेंटर में तब्दील मूल्यांकन केंद्रों पर मूल्यांकन कार्य नहीं शुरू हो पाया है। तो जहाँ पर मूल्यांकन केंद्र है और वहाँ पर क्वारंटीन सेंटर बना दिया गया है तो वहाँ पर शुरू नहीं हुआ है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं तब्दील देवी पद चौधरी सहित स्मारक मिलर हाई स्कूल केंद्र पर काफ़ी इंतजार करने के बाद सभी शिक्षकों को वापस जाना पड़ा। मूल्यांकन कक्ष बंद होने के कारण कॉपियों की जांच शुरू नहीं हो पाई। मिलर हाई स्कूल में काफ़ी लोग क्वारंटीन किए गए हैं। इस कारण क्लास रूम से निकले मेज कुर्सी मूल्यांकन कक्ष के सामने थे जिसमें कमरा नहीं खुल पाया। जिला शिक्षा पदाधिकारी ज्योति कुमार ने निरीक्षण कर मूल्यांकन की व्यवस्था जल्द कराने का निर्देश वहाँ के प्राचार्य को दिया। ये देख सकते हैं कॉपी जांचने पहुँचे शिक्षकों में कोरोना वायरस का खौफ भी दिखा। दोबारा शुरू हुए मूल्यांकन के पहले दिन काफ़ी मुश्किल से शिक्षक केंद्रों पर मूल्यांकन के लिए पहुँचे। कुछ अनुपस्थित भी रहे। मूल्यांकन केंद्रों महंत हनुमान शरण उच्च माध्यमिक विद्यालय राजापुर दुर्गा प्रसाद राय प्लस टू हाई स्कूल राजकीय बालक उच्च माध्यमिक विद्यालय शास्त्री नगर रामलखन सिंह यादव सर्वोदय उच्च माध्यमिक विद्यालय पुनाईचक के भी सहायक। यहाँ पर देख सकते हैं वीडियो को रोक करके। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि 5,000 रुपये देने की मांग की। प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ ने मैट्रिक कॉपियों के मूल्यांकन में लगाए गए शिक्षकों को 5,000 रुपये विशेष सहायता देने की मांग की है। संघ महासचिव शंभू कुमार सिंह ने कहा कि पटना रेड जोन में है। मूल्यांकन में लगे सहायक शिक्षकों प्रधान परीक्षकों तथा अन्य कर्मियों को 5,000 रुपया दिया जाना चाहिए। तो यहाँ पर आपने जान लिया है कि मैट्रिक का मूल्यांकन कार्य शुरू हो चुका है कल से और वहाँ पर शुरू नहीं हुआ है जहाँ पर क्वारंटीन सेंटर है और वहाँ पर ही जल्द ही शुरू की जाएगी।